the class or the classes of companies as may be prescribed shall have at least one woman director. अब वो class of companies के लिए बोल रहे हैं एक particular woman director तो होनी ही चाहिए, at least one. Can it be two? Can it be three? Minimum one required, minimum one. और कह रहे हैं कि अगर आप particular class of companies में fall करते हैं जो कि new companies act में दिया गया है, और old companies act में woman director की requirement थी नहीं, लेकिन new companies act आते ही आपको पता चल गया on 1st April 2014 कि आप उस particular class में fall करते हैं, तो आपको woman director appoint करनी पड़ेगी within one year from the commencement of this act. तो मतलब जो वो समय सीमा थी वो क्या थी, 1st April 2014 to 31st March 2015. तो सब कंपनीज को बोला गया कि अगर आप अगर आप पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज में फॉल करते हैं पहले से, और ओल्ड एक्ट में आपके यहाँ वुमेन डायरेक्टर नहीं थी, तो न्यू एक्ट में आने के बाद आपको विद इन वन ईयर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. वुमेन डायरेक्टर लाने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? वुमेन एम्पावरमेंट, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. वेल, और कोई रीजन भी हो सकता है, और कोई रीजन भी हो सकता है. क्या ऐसा है कि सारे डायरेक्टर अगर मेल डायरेक्टर हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, और बीच में कोई वुमेन डायरेक्टर होगी तो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे? बट एनी हाउस, वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी. अब फॉर विच क्लास ऑफ कंपनीज ये देखना है, मतलब सारा जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो क्या है, सच क्लास ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड, तो रेफर रूल 3. एंड वुमेन डायरेक्टर अब कौन सी कंपनीज में, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन द लिस्टेड कंपनीज. जब लिस्टेड कंपनी बोलते हैं तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट में लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, तो वहां पर बोला है सेक्शन 2 क्लॉज 52, लिस्टेड कंपनी एक लाइन की डेफिनेशन है, अ कंपनी ऑफ विच एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, अ कंपनी ऑफ विच एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, मे बी इक्विटी शेयर्स, मे बी प्रेफरेंस शेयर्स, मे बी डिवेंचर्स, मे बी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मे बी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मे बी बॉन्ड्स, मे बी व्हाटएवर, मे बी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज. तो एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी लिस्टेड, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. और ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA में दी गई है, दैट इज इन द सिक्योरिटी लॉ पेपर. सिक्योरिटीज की डेफिनेशन वी डू दैट इन फुल डिटेल इन द सिक्योरिटी लॉ पेपर, बट राइट नाउ आई विल से बस इतना याद रखिएगा, ऑफ विच एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इज लिस्टेड कंपनी. तो मैंने लास्ट क्लास में भी शायद पॉइंट उठाया था, क्या एक लिस्टेड प्राइवेट कंपनी हो सकती है? यस. क्यों हो सकती है लिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वॉलंटरली लिस्ट करवाए हैं? और प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू तो नहीं करती, प्राइवेट कंपनी इशूज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और फिर उसको लिस्ट करवा लेती है ऑन NSE BSE, तो हम बोलते हैं लिस्टेड प्राइवेट कंपनी हो गई है. अदर पब्लिक कंपनीज कौन सी? अदर का मतलब क्या? जो अनलिस्टेड है, जो अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो, और द टर्नओवर ऑफ रुपीज 300 करोड़ मोर. पेड अप शेयर कैपिटल में कौन सी पेड अप शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों 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 बोथ, हाँ मिलाकर एग्रीगेट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, और टर्नओवर इज 300 करोड़ और मोर. मैंने ऐसे अब मुझे एक चीज बताइए, टर्नओवर का मतलब यहां पर क्या है? जो सेल्स जा चुकी हैं वो, या जो पेमेंट आई है वो? सेल्स जा चुकी हैं, पेमेंट आई नहीं है, क्या वो भी टर्नओवर मानेंगे? आंसर इज यस. और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में टर्नओवर की डेफिनेशन को चेंज किया गया. ओल्ड मतलब कहना चाहिए डेफिनेशन जो थी कंपनीज एक्ट 2013 में, जो टर्नओवर की पहली डेफिनेशन थी ओरिजिनल, उसमें तो ये लिखा था सेल्स जो गई हैं वो टर्नओवर नहीं होती, जो कैश रियलाइजेशन हुआ, जो कैश आया है उसको टर्नओवर मानेंगे. कंपनीज एक्ट 2013 में ओरिजिनली लिखा था, फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया कि जो आपकी सेल्स जा चुकी हैं वो आपकी टर्नओवर है, चाहे पेमेंट आई है या नहीं आई है, और ऐसा ही होना चाहिए.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ऐसे ही होता है, हर जगह यही माना जाता है, तो यहाँ पर भी एक्रुअल बेसिस पे होना चाहिए। अच्छा, अब ये टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर की या लास्ट फाइनेंशियल ईयर की? लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, करंट ईयर तो अभी चल रहा है। और पेड अप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट या करंट ईयर की बैलेंस शीट? ये भी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। करंट ईयर की बैलेंस शीट तो बनाएंगे जब मतलब जब 31 मार्च आएगा, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, टर्नओवर लास्ट ईयर का पीएनएल अकाउंट उठाकर देखिए, और बीच में और लिखा है तो मतलब दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। एक बार बिना पढ़े, विच क्लास ऑफ कंपनीज? नंबर वन लिस्टेड कंपनीज, नंबर टू अदर पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। सिंपल क्राइटेरिया।